दोस्तों कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर भाजपाइयों की नींदें उड़ी हुई है। जिस तरीके से कर्नाटक में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनको इस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है। और वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं कर्नाटक का, उसने तो और ही भाजपा की नींद उड़ा के रख दिए है। किसी एक भी सर्वे में आप नहीं देखेंगे कि भाजपा जो है वो सरकार बनाने के आसपास भी दिखती हुई आपको नजर आ रही है। खबर क्या है आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें प्रियंका गांधी कर्नाटक में दिखी और वहां पे ये जन समर्थन आपको देखने को मिला कि किस तरीके का भारी जन समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, फिर वो चाहे कांग्रेस के कोई और भी नेता जो कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा जन समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पे जो सर्वे आ रहे हैं और जो गोदी मीडिया के भी सर्वे है, उसने भी भाजपाइयों की नींद उड़ा दी होगी। जो सर्वे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे आप गौर से देखिएगा। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस 115 से 127 सीट कर्नाटक में लाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी को बताया गया है कि 68 से 80 सीट, जेडीएस 23 से 35। और उसके बाद दूसरा एक सर्वे देखिए जिसमें कांग्रेस 134 से 140, बीजेपी 154 से 161, जेडीएस 17 से 20, अदर्स को 3 सीट मिल रही है। तीसरा सर्वे देखिए जिसमें कांग्रेस 153, बीजेपी 42, जेडीएस 17, अदर्स को 12। वहीं चौथा आप सर्वे देखिए जिसमें कांग्रेस 128 से 131, बीजेपी 66 से 69, जेडीएस 21 से 25, अदर्स को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो कि कर्नाटक का ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चा बच्चा कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ये जन समर्थन बता रहा है कि क्या जो भारी खेल है वो कर्नाटक में होने वाला है, क्योंकि तोड़ मड़ोड़ की सरकार थी और अब जब जनता को अपना हक के लिए वोट देने को जब मिलेगा तो फिर वहां जनता जो है वो अलग ही रूप दिखाएगी। और वही आपको देखने को भी मिल रहा है। और आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, जो सर्वे आ रहे हैं और जो कांग्रेस के नेताओं को जन समर्थन मिल रहा है कर्नाटक में, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।